तो जी हाँ फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपसे बताने वाले हैं कि ये जो एसी का एयर रिसर्कुलेशन मोड है, इसके लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कभी ऑन कभी ऑफ हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कुछ फीचर्स किया के तरफ से दिया जाता है, हर कोई कार में होना चाहिए, हालांकि हर कार में नहीं है। ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी अगर मान लीजिए आपका चाइल्ड अगर अंदर में सोया हुआ है, आप गाड़ी ऑफ करके चले गए हैं, तो ये ऑटो रिसर्कुलेशन उसको ऑक्सीजन पहुंचाते रहेगा। तो ये एक बेनिफिट फीचर्स है। बाकी और एक भी है कॉजन प्रिकॉशन जो आपको भी लेना है, कि गाड़ी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल मतलब एसी ऑन करके या फिर हीटिंग ऑन करके आप मत सोया कीजिए, क्योंकि इससे आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, ये डेथ भी हो सकता है। ये कॉजन भी अगर आप सर्विस बुक में मैनुअली फॉलो करते हैं तो उसमें भी दिखाया गया है या फिर बताया गया है। तो इसको मैं बता देता हूँ, जैसे आप ऑटो रिसर्कुलेशन देख रहे हैं, तो ये अगर मैं सनरूफ को ओपन करता हूँ तो ये देखिए ऑटो जो रिसर्कुलेशन मोड है, ये देखिए आप, जैसे ये ऑन है अभी, तो इसको मैं ऑन करता हूँ, सनरूफ को खोलता हूँ, देखिए ये ऑफ हो गया, तो ये सनरूफ खुल गया तो ऑफ हो गया। बाकी मैं आपको कैसे दिखाऊं कि सनरूफ भी खुल रहा है और आपका ये भी चल रहा है, तो यहाँ सब देख सकते हैं। तो सनरूफ को मैं जैसे क्लोज़ करूँगा तो ये देखिए लाइट फिर से आ गई। तो ये ऑटो रिसर्कुलेशन का फंक्शन है। अगर आपको ऑटो रिसर्कुलेशन मोड ऑफ हो जा रहा है, तो ये एक सिचुएशन हो सकता है कि सनरूफ प्रॉपरली क्लोज नहीं है, तो ये एक चीज़ हो गया। बाकी आप ऑटो रिसर्कुलेशन मोड को भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे यही मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपका इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगा है। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि हम लोग अपना जो टारगेट है वो बहुत करीब है, तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को चाहिए, तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑटो रिसर्कुलेशन का प्रॉब्लम आपका हो रहा है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सेटअप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए एक जनरल सेटिंग आएगा, व्हीकल का आएगा, व्हीकल में आपको प्रेस करना है। व्हीकल में आपको देखिए यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, तो क्लाइमेट कंट्रोल में जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वेंटिलेशन का ऑप्शन दिख जाएगा जो चेक किया हुआ, तो इसको हम लोग अगर अनचेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वेंटिलेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, आप जिस पोजीशन पर रखिएगा अभी वही पोजीशन काम करेगा। तो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी चैनल पे देते रहता हूँ। बाकी आपका भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी वीडियो आपके तक जल्दी पहुँचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।